आज हम लोग सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला न्यूमेरिकल दिया गया है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से। नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर ml है हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि HNO3 लिया गया है 68% बाय मास, ठीक है। कह रहा है 68% बाय मास, ठीक। और डेंसिटी गिवन है 1.504 ग्राम पर ml। फाइंड करना है मोलैरिटी, फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो 68% बाय मास भार से दिया गया है इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या पॉइंट बनेगा, इसमें 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये पॉइंट बनेगा, ठीक। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि वेट ऑफ HNO3 कितना है, 68 ग्राम है, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन जब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर में। ये तो हो गया हमारा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। हमको यहाँ पर चाहिए वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी हमारी गिवन थी, डेंसिटी हमारी कितनी गिवन है, 1.504, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, डेंसिटी रखते हैं, डेंसिटी है 1.504 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ग्राम, 100 अपॉन वी। तो यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, 100 अपॉन 1.504, ये जो आएगा ये ml में आएगा क्योंकि जो डेंसिटी दी थी वो ग्राम पर ml में दी थी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पर 100 1.504 इंटू 1000। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 1504, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो वॉल्यूम आया है ये हमारा किस में है, लीटर में है। इसको करना क्या है, इसको इस फॉर्मूले में जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है इसमें हमको इसको पुट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं मोलैरिटी, वेट कितना दिया हुआ था, वेट जो HNO3 का था वो रखेंगे, वेट है 68, HNO3 का मॉलिकुलर वेट 63 हो जाएगा, कैसे, HNO3 हाइड्रोजन का 1 नेक्स्ट एलिमेंट प्लस का साइन, 14 प्लस 16 इंटू 3 1 प्लस 14 48 63, ठीक है। वॉल्यूम कितना आया है, 100 इंटू 1504, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16.23 मोलर, ठीक है। या इसको हम मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन कह रहा था कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में 68%, ठीक है, बाय मास यहाँ पर लिखा हुआ है।
इलेक्ट्रिक डेंसिटी गिवन थी, मोलैरिटी फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ओपन किया, जो 68% बाई मास 68 ग्राम एच एन ओ 3 प्रेजेंट 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ एच एन ओ 3 पता चल गया, वेट ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, लेकिन मोलैरिटी में हमको वॉल्यूम चाहिए होता है, तो हमने डेंसिटी से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड किया। वॉल्यूम जो आया वो ml में आया है, इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया है, सीधे वैल्यू को उठा करके इसी फॉर्मूले में पुट अप कर दिया है, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 NCERT का, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह है, इसमें भी क्या क्या चीज़ गिवन है, 10% W/W गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10% W/W, ठीक। ये हमारा बाय मास को ही शो कर रहा है, बाय मास का हो चाहे बाय वेट का हो। और क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ml की जगह कई जगह cc भी लिखा हो सकता है, cc मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसमें फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करना है, मोल अंश, इसमें कह रहा है मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है ईच कंपोनेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है सल्यूट का भी प्लस सॉल्वेंट का भी, दोनों के मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करने हैं। तो कैसे होगा क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसी को ओपन करते हैं, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, पीछे कितना, तो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वेट ऑफ ग्लूकोज मिल गया है कितना, 10 ग्राम, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है 100 ग्राम, ठीक है। इस बार हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सल्यूट। सॉल्यूशन कितना है 100 माइनस 10, कितना हो गया 90 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारा दिया था 10% W/W, अब ज़रा देखो सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का जलीय विलयन कह रहा है, एक्को सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कह रहा है, मींस ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, सल्यूट हो गया। ग्लूकोज क्या है हमारा, यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा हमारा सल्यूट, ग्लूकोज सल्यूट हो जाएगा, और जो वाटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो सॉल्वेंट आया है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड कर लें, चाहे यहाँ पे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, चाहे मोलैरिटी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट, मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो हमको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो हम डेंसिटी से क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1.2, ये पॉइंट हटेगा पर जीरो आ जाएगा, लेकिन ये किस में होगा, ml में। यहाँ पर हम वॉल्यूम को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 1/12 लीटर बचेगा। कैसे बचेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में चेंज करने के लिए, तो 1/12 बचेगा। इसको हम उठा करके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी क्या फाइंड हो जाएगी, मोलैरिटी। ग्लूकोज का कितना दिया है, वेट 10 दिया है, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 180, और वॉल्यूम कितना आया है, 1/12, ये ऊपर चला जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई में,
180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 0.667 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली थिंग सॉल्व हो गई है, जो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड करना था। सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे मोलरता फाइंड करनी थी, मोलैरिटी, तीनों चीज़ें फाइंड करनी, इसमें मोलैलिटी भी फाइंड करनी है। तो हमने मोलरता फाइंड कर लिया है तो मोलैलिटी भी फाइंड हो जाएगी। मोलैलिटी तो हमारी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में हमको स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इसकी मोलैलिटी देख लेते हैं, मोलैलिटी क्या होगी इसकी, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होगा। स्मॉल एम से शो करते हैं वेट, मॉलिकुलर वेट, कैपिटल डब्लू इंटू 1000। 10 दिया था, 180, और यहाँ पे जो कैपिटल डब्लू होगा ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट कितना है, वाटर है, कितना है, 90। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे इसमें, 90 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लें, 0.0 100/18 × 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.617 मोलल। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे हमने मोलैलिटी फाइंड कर ली। अब बचा हुआ है मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज कैसे फाइंड करेंगे, तो दो थिंग्स हैं इसमें, एक ग्लूकोस है जो प्रेजेंट है किसमें, वाटर में। तो ग्लूकोस हो गया हमारा सल्यूट और वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोस लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n n+n। जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं उसके मोल ऊपर होते हैं, नीचे टोटल मोल। ठीक है, इसी तरह जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या फार्मूला होगा, कैपिटल n n+n। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हमको दोनों के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। मोल का जनरल फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ग्लूकोज का वेट कितना है, 10, मॉलिकुलर वेट 180, 90, वाटर का मॉलिकुलर वेट 18। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लें तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1/18, ये हो जाएगा 5। बस ये वैल्यू पुट अप करके हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज के लिए क्या फार्मूला है, n n+n। ग्लूकोज के मोल कितने आए हैं, 1/18 1/18 + 5। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 0.011। ठीक है, इसी तरह जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करेंगे फॉर्मूला बनेगा कैपिटल n n+n। वाटर के लिए वाटर का मोल कितना है, n 1/18 + 5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी मोलैरिटी आएगी, मोल फ्रैक्शन आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.99। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन में क्या हमको फाइंड क्या क्या फाइंड करना था। क्वेश्चन दिया हुआ था ग्लूकोज का 10% डब्ल्यू बाई वेट एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ था, मोलैलिटी फाइंड करना था, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था। मोल फ्रैक्शन जो फाइंड करना था वो हमको ग्लूकोज और वाटर दोनों का फाइंड करना था और मोलैलिटी फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को ओपन करके सबसे पहले हमने स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू फाइंड किया, ठीक है। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हमने वॉल्यूम निकाला, देन मोलैलिटी के लिए स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू हमको पता था, लास्ट में दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने थे। दोनों के मोल हमने फाइंड करके दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों मोल होते हैं, मोल मोल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी ml ऑफ 0.01 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ग्राम मिक्सचर है किसका, Na2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है। 1 ग्राम मिक्सचर है तो कह रहा है 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम ml में रिक्वायर्ड होगा जो इन दोनों से कम्प्लीटली क्या कर सके, रिएक्शन कर सके, कम्प्लीटली रिएक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 ग्राम मिक्सचर Na2CO3 और NaHCO3 का लिया जाए तो 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा जो इन दोनों से कम्प्लीटली रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जो दिया है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट वेट ऑफ Na2CO3 कितना है, x ग्राम मान लिया, ठीक है। तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, 1 - x ग्राम हो जाएगा, क्योंकि जो मिक्सचर है वो टोटल मिक्सचर कितना है, 1 ग्राम है। तो अगर एक x ग्राम है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1 - x ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट में कि कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मींस दोनों कैसे हैं, इक्विमोलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है Na2CO3 एंड NaHCO3 आर इक्विमोलर, ठीक है। तो इक्विमोलर का मतलब ये हो गया कि मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल होगा मोल ऑफ NaHCO3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के मोल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और मोल का जनरल फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना दिया है, x, इसका मॉलिकुलर वेट होता है 106, ठीक। इसी तरह इसका वेट हमने कितना लिया है, 1 - x, ठीक है। इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 84, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 84x इज इक्वल टू 106 - 106x, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 190x इज इक्वल टू 106। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 106 अपॉन 190 ग्राम, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.558 ग्राम,
ये हमको क्या फाइंड हो गया यहाँ से, हमने x क्या माना था, वेट ऑफ Na2CO3। तो हमको यहाँ से वेट ऑफ Na2CO3 हमको पता चल गया, कितना पता चल गया, 0.558 ग्राम। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पर वेट ऑफ Na2CO3 पता चल गया है 0.558 ग्राम, तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.558 ग्राम। ये तो ऊपर कंसीडर किया था 1 माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा, 0.442 ग्राम। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि वेट ऑफ, ये दोनों हमको यहाँ से वेट पता चल गए, वेट ऑफ Na2CO3 हमको पता चल गया है, ठीक है, और वेट ऑफ NaHCO3 हमको यहाँ से पता चल गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि HCl का कितना अमाउंट लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा जो इससे कम्प्लीटली रिएक्ट कर सके। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, मतलब HCl दोनों से कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन बनाते हैं, Na2CO3 प्लस HCl जब ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस के लिए रिएक्शन, सोडियम यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मोलैरिटी का जनरल फार्मूला जानते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट मॉलिकुलर वेट वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो HCl की मोलैरिटी तो हमको दी है, अगर हमको वेट पता चल जाए HCl का, ठीक है, मॉलिकुलर वेट तुमको पता ही होगा, तो हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन केवल एक HCl, केवल इस HCl के वेट से काम नहीं चलेगा, HCl को दोनों कंपाउंड से रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड से जब रिएक्शन कराएंगे तो जो वेट निकलेगा दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखो HCl का वेट निकालेंगे कैसे, Na2CO3 का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 106 ग्राम, 2 इंटू, यहाँ पर अगर HCl के लिए गए तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 ग्राम। यहाँ से एक स्टेटमेंट बन रहा है, स्टेटमेंट क्या है, 106 ग्राम Na2CO3 रिएक्ट 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl। इस रिएक्शन से हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, 106 ग्राम Na2CO3 रिएक्ट विद 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl। तो 1 ग्राम Na2CO3 रिएक्ट करेगा कितने से, 2 इंटू 36.5 अपॉन 106 ग्राम HCl। ठीक है, एक्चुअल में इसका वेट कितना आया था, Na2CO3 का वेट कितना आया है, Na2CO3 का वेट जो आया था 0.558 ग्राम। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 0. तो Na2CO3 का वेट कितना आया है, 0.558 ग्राम Na2CO3 रिएक्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 73 अपॉन 106 इंटू 0.558 ग्राम HCl। तो यहाँ से हमारा वेट ऑफ HCl आ गया, जो किससे रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है, कितना आ जाएगा ये, 0.384 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट तो ये निकाल लिया कि जब HCl Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है, अब पॉइंट निकालते हैं जब HCl NaHCO3 से रिएक्ट करेगा, तब HCl का वेट कितना होगा, NaHCO3
CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O. ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ पर इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 84 ग्राम 36.5 ग्राम। तो जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, 84 ग्राम NaHCO3 रिएक्ट 36.5 ग्राम HCl, तो 1 ग्राम Na2CO3 रिएक्ट करेगा 36.5 अपॉन 84 ग्राम HCl। एक्चुअल में इसका जो वेट आया था यहाँ पर NaHCO3 का कितना आया था, ये आया हुआ है 0.442 ग्राम, ठीक है। तो अब इतना ग्राम HCl कितने HCl से रिएक्शन करेगा, 0.442 ग्राम Na2CO3 रिएक्ट 36.5 अपॉन 84 इंटू 0.442 ग्राम, ठीक। तो यहाँ से हमको वेट ऑफ HCl निकल के आया है जो NaHCO3 से रिएक्ट करेगा, कितना हो जाएगा ये, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9192 ग्राम, ठीक। तो यहाँ से हमको एक HCl का ये वेट मिला है जो NaHCO3 से रिएक्शन कर रहा है, और एक वेट हमको ये मिला है जो Na2CO3 से रिएक्शन कर रहा है। तो हम यहाँ पर टोटल HCl का वेट निकाल लेते हैं, टोटल वेट ऑफ HCl, ठीक है। टोटल वेट ऑफ HCl क्या हो जाएगा जो दोनों से रिएक्शन कर रहा है, 384 प्लस 0.192, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.576 ग्राम, ठीक है। अब HCl का वेट हमको पता चल गया है, मोलैरिटी दी गई है 0.1 मोलर HCl के लिए, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो ये दिया है 0.1, वेट कितना आया है, वेट कितना आया है 0.567 HCl का मॉलिक्यूलर वेट इनटू, अब यहाँ पर वॉल्यूम हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको ज़रा कैलकुलेट करें। तो यहाँ वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा, 0.576 अपॉन 36.5 इंटू 0.1, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.1578 जो कि लीटर में आएगा, इसको ml में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 157.8 ml, लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि HCl का कितना ml रिक्वायर्ड होगा, HCl का कितना ml रिक्वायर्ड होगा जो 1 ग्राम मिक्सचर Na2CO3 और NaHCO3 दोनों से क्या करे, रिएक्शन करे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले Na2CO3 का वेट मान लिया x, पूरा मिक्सर 1 ग्राम था, तो NaHCO3 कितना हो गया, 1-x हो गया, ठीक। दोनों इक्वी मोलर हैं, मीन दोनों के मोल हमने क्या रख दिए, इक्वल रख दिए। दोनों के मोल जब हमने यहाँ पर इक्वल रखे हैं तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पर इसका जो वेट दिया हुआ था x, मॉलिकुलर वेट 106, इसका वेट 1-x, वेट 84, मॉलिकुलर वेट 84। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो x की वैल्यू आई है यही हमारी किसकी वैल्यू है, Na2CO3 की, 1
इस वैल्यू को 1 से लेस कर दिया तो ये किसकी वैल्यू बची हमारी NaHCO3 की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCl दोनों से रिएक्शन कर रहा है तो पहले Na2CO3 से रिएक्शन कराया तब निकाला कि कितना ग्राम HCl Na2CO3 से रिएक्शन कर रहा होगा। इसी तरह NaHCO3 से जब इसने रिएक्शन किया तो कितना ग्राम HCl NaHCO3 से रिएक्शन कर रहा होगा। दोनों के वेट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों के वेट को हमने ऐड कर दिया। ये टोटल वेट हुआ जो Na2CO3 और NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों से रिएक्शन करेगा, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला गिवन था, मॉलिकुलर वेट रख करके वॉल्यूम ने फाइंड कर लिया। ये जो वॉल्यूम आया था लीटर में आया, इसको ML में चेंज कर लेंगे। यही आंसर हमारा NCERT में दिया गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।